सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक और बड़ी सफलता मिली है। स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शार्प शूटर सोनीपत निवासी 19 वर्षीय अंकित उर्फ छोटा व शूटरों की मदद करने वाले भिवानी निवासी 25 वर्षीय सचिन भिवानी उर्फ सचिन चौधरी को गिरफ्तार किया है। अंकित ने दोनों हाथों में पिस्टल लेकर सिद्धू मूसेवाला के करीब जाकर फायरिंग की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 जुलाई की रात लगभग 11:05 पर महात्मा गांधी मार्ग दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से इन्हें गिरफ्तार किया था। अंकित लॉरेंस विश्नोई गोल्डी बरार गैंग का सबसे युवा शार्प शूटर है। शार्प शूटर अंकित के पास से .30 की सोफिस्टिकेटेड पिस्तौल व 9 जिंदा कारतूस और आरोपी सचिन चौधरी से 9 mm की एक पिस्टल व 10 जिंदा कारतूस, 3 पंजाब पुलिस की वर्दी सिम के साथ 2 मोबाइल फोन और 1 डोंगल भी बरामद हुआ है। स्पेशल सेल विशेष पुलिस आयुक्त HGS धालीवाल ने बताया, 30 मई को एक बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ था जो कि हम सब जानते हैं। पंजाबी के मशहूर सिंगर थे जिनका इंटरनेशनल फेम भी था, शुभदीप सिंह, जिनको पॉपुलरली सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता था। तो उनकी एक बहुत ही ब्रेजन किलिंग हुई थी और जवाहर के विलेज जो कि डिस्ट्रिक्ट मानसा एरिया में आता है, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशल सेल लगातार बड़े केसेस पे, जहाँ पे हमें लगता है कि इंटरस्टेट रेमिफिकेशंस हो सकती हैं, वहाँ पे काम करता आया है। उसी टाइम जब हमारे ध्यान में ये और नोटिस में चीज़ आई कि इस तरीके से ये किलिंग हुई है और उसके वीडियोस वायरल हुए, स्पेशल सेल की मल्टीपल टीम्स ने उसी टाइम से इस पे काम करना शुरू कर दिया। और जैसा कि पहले हम लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सारा शेयर कर चुके हैं, तो काफ़ी एक्सटेंसिव एफर्ट के बाद फर्स्ट ब्रेक थ्रू हुई थी जिसमें कि एक्चुअल शूटर पकड़े गए थे। शूटर से पहले मास्टरमाइंड को ऑलरेडी स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया था, ऑलरेडी वो एक मुखोका केस में अरेस्टेड था और उसने अपना रोल एज अ मास्टरमाइंड कन्फेस कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो मेन एफर्ट था स्पेशल सेल का, मास्टरमाइंड पता चलने के बाद और इसकी इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी पता चलने के बाद, था कि जो एक्चुअल शूटर्स हैं, जो सीन ऑफ क्राइम पे गए हैं, जिन्होंने एक्चुअल फायरिंग करी है और शुभदीप सिद्धू को गोली मारी है, उनको पकड़ा जाए। तो फर्स्ट जो हमारी ब्रेक थ्रू थी 19 जून को, उसमें हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम ने अंडर सुपरविजन ऑफ प्रमोद कुशवाहा DCP और हमारे ACSP हृदय भूषण और मिस्टर नेगी एंड बाकी सारी जो न्यू दिल्ली रेंज की टीम थी, इन्होंने प्रियव्रत फौजी को अरेस्ट किया, कशिश कुलदीप को अरेस्ट किया और तीसरा केशव, जिसने सारी रैकीज करी थी, शूटर्स को ट्रांसपोर्ट किया था, उसको अरेस्ट किया। उनकी अरेस्ट के बाद भी हमारी टीम्स लगातार इस केस पे मेहनत करती रहीं और हमारी टीम्स को ये था कि जल्द से जल्द जो अभी बाकी 4 शूटर नहीं पकड़े गए और जो लोग इनको मेन शरण दे रहे थे, इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे थे, इनको हाइड आउट्स प्रोवाइड कर रहे थे, इनके वेपन संभाल रहे थे, इनको गाड़ियां दे रहे थे, उन पे भी एक्शन किया जाए। उसी के चलते कल देर रात तकरीबन 11 बजे के आसपास हमारी टीम, जो कि लगातार 6 स्टेट में इनके पीछे लगी थी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, इन सारी जगहों पे एक दो बार हमारी टीम ने इनको मिस भी किया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना एफर्ट नहीं छोड़ा और पीछा करते रहे। जो भी लीड मिलती रही उसको बड़ा डिलीजेंटली डेवलप किया और कल रात तकरीबन 11 बजे जब ISBD पे अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया, जो उसका साथी था सचिन भिवानी, इसको भी इसके साथ अरेस्ट किया गया।
इस कड़ी में जांच करते हुए पुलिस टीम को रविवार को सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के दो सदस्य ISBT कश्मीरी गेट पर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। खबर मिलने के बाद प्रमोद सिंह कुशवाहा DCP की सुपरविजन व ACP ललित मोहन नेगी और ACP हृदय भूषण की देखरेख में इंस्पेक्टर सुनील राजैन, इंस्पेक्टर रविंद्र जोशी, इंस्पेक्टर अरविंद व इंस्पेक्टर विनय पाल की टीम ने ISBT पर घेराबंदी कर सोनीपत निवासी अंकित उर्फ छोटा और भिवानी हरियाणा निवासी सचिन चौधरी उर्फ सचिन भिवानी को दबोच लिया। इनके पास से दो पिस्टल, 19 कारतूस, पंजाब पुलिस की 3 यूनिफॉर्म, 2 मोबाइल फोन व डोंगल बरामद हुआ है। सचिन भिवानी ने सिद्धू की हत्या करने के बाद शूटरों को हर तरह की छिपाने आदि में मदद की थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नामजद अंकित पर हत्या का यह पहला मुकदमा है। उसका एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह हाथ में अत्याधुनिक पिस्तौल पकड़े हुए है और अपने सामने गोलियों से अंग्रेजी में मूसेवाला लिख रखा है। सचिन भिवानी ने इनको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करी। वारदात से पहले ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई उसमें सचिन भिवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। तो इनके साथ दीपक मुंडी भी था जो कि अभी ऑन द रन है, एब्सकॉन्डिंग है, जो कि चौथा शूटर है, और उसके अलावा दो शूटर्स का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एक मनप्रीत मानू करके है जो कि मोगा डिस्ट्रिक्ट का है पंजाब में, और छठा शूटर जो है वो जगरूप रूपा है, वो तरन तारन का है। शूटर अंकित 10वीं क्लास में फेल हो गया था। पढ़ाई में शुरुआत से ही उसका रुझान नहीं था। अंकित परिवार में सबसे छोटा है, उससे से बड़ी 4 बहनें और एक भाई है। अंकित के माता पिता फैक्ट्री में काम करते हैं। परिवार के बहुत समझाने के बाद भी अंकित नहीं माना और बताया जा रहा है कि अंकित ने अपने परिवार से 3 माह से संपर्क नहीं किया है। वो पहले भी कई दिन घर से दूर रहता था, लेकिन पिछले 3 माह से पूरी तरह से परिवार से दूरी बना ली थी। मोबाइल तक से कोई संपर्क नहीं किया है। अंकित का परिवार उसे घर से बेदखल करने की तैयारी कर रहा था। परिवार के सदस्यों ने इसके लिए शपथ पत्र भी तैयार करा लिया था। हालांकि परिवार के सदस्य उसे बेदखल कर पाते इससे पहले ही परिवार के पास उसकी गिरफ्तारी की सूचना आ गई। जानकारी के अनुसार 19 साल के अंकित ने बेहद कम उम्र में वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। वह 10वीं क्लास में फेल हो गया था। उसके बाद जिस समय लॉकडाउन लगा तब वो फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसी दौरान वो अपनी बुआ के घर गया था, जहां उसने मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद अंकित लगातार गैंग के बाद गैंग जोड़ता गया और वारदातों को अंजाम देता रहा। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सोनीपत का रहने वाला अंकित सिरसा प्रियव्रत फौजी के साथ था। उसने दोनों हाथों से बेहद करीब से सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। अंकित करीब 1 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया था। इसके बाद राजस्थान में सिरसा ने 2 वारदातों को अंजाम दिया था। अंकित मोनू डागर के संपर्क में आया था। मोनू ने अंकित की मुलाकात अनमोल से कराई और अनमोल के जरिए अंकित बिश्नोई गैंग से जुड़ गया था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। तो इस तरीके से स्पेशल सेल लगातार इस पे काम कर रहा है, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स पे, सिंडिकेट्स पे, एंटी टेरर पर्सपेक्टिव से स्पेशल सेल हमेशा काम करता आया है, और स्पेशल सेल का हमेशा यही फोकस रहा है कि जो लोग भी ऐसी बड़ी वारदात में शामिल होते हैं जिसकी इंटरस्टेट रेमिफिकेशंस हैं, जिससे फ्यूचर में दिल्ली में भी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है दुर्घटना, तो स्पेशल सेल का यही टास्क होता है कि हमारी ये तमाम कोशिश रहे कि जो चीज़ कहीं और हुई है उसको राजधानी में होने से फ्यूचर में प्रिवेंट किया जा सके। तो हमारी सारी टीम्स ने, स्पेशल सेल की ने, नॉट ओनली न्यू दिल्ली रेंज बट बाकी रेंजेस भी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, नदन रेंज, सदन रेंज, CI, साउथ वेस्ट, इन सब ने भी बहुत अच्छा काम किया, इसमें काफ़ी ग्राउंड वर्क किया और बहुत अच्छा एक ज्वाइंट एफर्ट रहा। और ये चीज़ भी हम बताना चाहेंगे कि हमने नेबरिंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। तमाम इनपुट्स हमने बड़े टाइमली शेयर किए, उनसे भी हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिला है, और ये
ज्वाइंट एफर्ट है जिससे कि ये जो शूटर्स थे जिन्होंने इतनी प्लानिंग से सारी वारदात को अंजाम दिया था, और इनको जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि फ़ौरन से डायरेक्शंस आ रही थी, और गोल्डी ब्राड का हमने पहले ही बताया है कि एक दिन पहले भी उसकी कॉल आई थी 28 तारीख को, जब इनको बोला गया कि कल ये वारदात को अंजाम देना है। फिर वारदात के दिन इनको तकरीबन 4 बजे इंसिडेंट से ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे पहले कॉल आई, और इन्हें बताया कि उनका जो दरवाज़ा है, उसको बड़ा दरवाज़ा था उनके घर का, वो खुल गया है और कभी भी इनकी मूवमेंट हो सकती है। और बाद में जब मूवमेंट हुई तब भी एक इंटरनेशनल कॉल आती है दोनों मॉड्यूल्स को, शूटर्स को, कि आप मूव इन करो, इस टाइम वो अकेले जा रहे हैं और उनके साथ 2 दोस्त हैं और कोई भी गनमैन नहीं है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, वारदात के बाद प्रियव्रत फौजी जो बलेरो मॉड्यूल का हेड था, ये कॉल करके बताता है कि इन्होंने जो काम इनको सौंपा गया था इन्होंने पूरा कर दिया है। करोला का मॉड्यूल हेड ने क्या बताया ये हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि वो अलग चले गए थे, लेकिन जो वारदात से पहले का था जिसमें गोल्डी ब्राड ने दोनों मॉड्यूल से बात करी, वो चीज़ हम ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस, और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।